नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पटौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। गरियाबंद जिले के कई गांव आज भी विकास की राह देख रहे हैं। मैनपुर ब्लॉक के धनोरा पंचायत के अंतर्गत आने वाले पत्याल पारा और लोहार पारा भी इन्हीं में से एक है जो बुनियादी सुविधाओं के मोहताज है। लगभग 200 की आबादी वाले पत्याल पारा में एक हैडपंप है जो हमेशा खराब रहता है, जबकि 17 परिवारों के लोहार पारा में तो कोई हैडपंप भी नहीं है। सड़क नहीं होने से बरसात के दिनों में गांव के लोगों का संपर्क शहर से टूट जाता है। आम दिनों में कोई भी बीमार हो जाए तो उसे चारपाई पर रखकर ले जाना पड़ता है, जबकि इनकी परेशानी सुनने वाला कोई भी नहीं है। प्यास बुझाने के लिए ये झिरिया का पानी पीते हैं। हमारा रोड रास्ता अच्छा नहीं है, इसलिए दो बार हो गया है कि हमारा पिपलखुटा पटेलपारा में ऐसे व्यवस्था होता है कि हमारा गाड़ी मोटर आ नहीं पाता है, कि सरपंच लोग की ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम वो बोल के दो बार हो गया, मेरा भाई को भी खुद लिया हूँ कि ऐसा बोल के डिलीवरी केस में। तो शासन प्रशासन को कई बार प्रस्ताव करते हैं कि प्रशासन की मैंने ध्यान में नहीं रखे, ग्रामीण के सहयोग से ग्राम पंचायत की ओर से लकड़ी का पुलिया बना के आवागमन हो रहा है। कितने साल से ऐसा चल रहा है? ये तो लगभग हो गया 2 साल। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं पुरुषोत्तम पात्रा। पुरुषोत्तम, देश चंद्रयान 2 और 3 लॉन्च करने वाला है, ऐसे में जब चांद पर देश मंगल पर पहुंच गया और लेकिन यहाँ पर जो ये गांव दोनों है, यहाँ पर ना तो सड़क है, ना पीने का पानी है और ना मूलभूत सुविधाएं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जो बड़े जनप्रतिनिधि की सोच के अनुरूप या फिर जनता जिस उम्मीद से जनप्रतिनिधियों को चुनाव मैदान में उतारती है, तो उनकी जो इच्छा शक्ति कमी होने के कारण ऐसे कुछ गांव छूट जाते हैं जहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही ये मैनपुर विकासखंड का ही धनोरा पंचायत के आश्रित गांव है जहाँ 200 की आबादी है और इनके पास अभी भी आने के लिए रास्ते नहीं है। बता दें कि 5 साल पहले सड़क बना था, पुल भी बना था, लेकिन घटिया निर्माण की वजह से बीच में पड़ने वाले पुल जो है टूट गया है और उस पुल के टूटने के बाद से उसकी मरम्मत के लिए किसी ने सूझ नहीं दिया है अब तक, और सड़क खराब होने की वजह से आपको अभी रोकना चाहूंगा मैं। पुरुषोत्तम, हमारे साथ नीलांबर मांझी जुड़ गए हैं, पूर्व सरपंच। सरपंच जी, ये बताएं कि यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, आप पूर्व सरपंच हैं, आपने यहाँ क्या कराया था? सर, मैं ग्राम पंचायत को कई बार ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भेजा था, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, पुल पुलिया रोड के लिए। कुछ बना? अभी तक तो बना नहीं है सर, मात्र एक ही पुलिया बना है और 2 नल। ठीक है, तो यानी कि आप पूर्व सरपंच रहे, आपने कुछ नहीं किया। अभी जो सरपंच वर्तमान सरपंच है वो क्या कुछ काम करा रहे हैं? वो आपके जितना भी एक हेडपंप भी लगवा पाएंगे या नहीं लगवा पाएंगे, या पर सुनवाई नहीं हो रही? सर, 2 नलकूप भी मेरे 2 साल की कार्यकाल में 2 नलकूप भी खनवा दिया हूँ। और आपके पोटापारा और खलिया मुड़ा जो यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं वो ये हालात नहीं देखते? जी सर जी, वो ये हालात नहीं देखते। अभी वर्तमान सरपंच कौन है, आप ही है या कोई और? मैं हूँ सर। अभी वर्तमान में आप ही हैं, 2 साल आपको हो गए हैं? जी सर, 2 साल का कार्य सरपंच था सर। ठीक है, आपको सरपंच अब तक आपने क्या कुछ प्रस्ताव भेजे हैं और कब तक इन पर मोहर लगेगी, क्या तैयारी, क्या रणनीति है आपकी? अभी रोड रास्ता और पुल पुलिया के लिए और भूमि समतलीकरण, तालाब निर्माण और 4 नल कुआं के लिए है। एक जगह बिजली नहीं जा पाया है, उसके लिए भी बिजली का मांग किया हूँ सर। ठीक है, तो अभी ये जो पानी झिरिया का पीते हैं, इस पानी की सुविधा कब तक मिल पाएगी, क्या कुछ कहना था प्रशासन का? मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन इस चीज को ध्यान में रखे और जल्द से जल्द उस कार्य को पूरा करे। मैं आभारी रहूंगा और मैं मतदाताओं से भी ये अपील है मेरा कि हर कार्य मैं करूंगा करके मैं बताया हूँ सर। चलिए, शुक्रिया मांझी जी जुड़ने के लिए आपका। और हमारे साथ ये सरपंच है नीलांबर मांझी, उनका कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास सरपंच जुड़े, जो हमारे साथ संवाददाता हैं वो जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, जिस तरीके सरपंच जी कह रहे थे कि उन्होंने कोशिश की है और 2 साल में हैंडपंप लगवा दिए, वो बात अलग है कि वो खराब पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने कोशिश की है और आगे भी वो करते रहेंगे और जल्द ही वो तालाब और साथ ही साथ जो अन्य सुविधाएं वो मुहैया कराएंगे। क्या इनकी बातें कोरी कागज थी कि जो सिर्फ कागजों में सीमित होकर रह जाती हैं, या फिर किसी भी प्रकार का इन्होंने प्रयत्न किया है? जी
जी देखिए, ऐसा है कि ग्रामीण इलाकों की जो बड़े वर्क होते हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत राज का जो व्यवस्था है, उसमें पंचायत प्रस्ताव कर सकते हैं, लेकिन जब तक बड़े जनप्रतिनिधि विधायक लेवल के या जिला पंचायत अध्यक्ष स्तर के जो लोग हैं, अगर वो अगर रुचि नहीं लेंगे तो सरकार से ये पैसा नहीं आ सकता। और इस यहाँ भी विकास कार्य का जो पेश है बिल्कुल इसी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि सरपंच अपने स्तर पर पंचायत का प्रस्ताव करके लगातार मांग तो कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर जो स्वीकृति मिलनी चाहिए, सरकार के पैसे, सरकार जो इस ग्राम विकास के लिए जो मत यहाँ भेजे, या फिर बड़ी सड़क, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क से कनेक्टिविटी है, इसलिए पंचायत स्तर के मत में काम नहीं होगा, इसमें शासन स्तर के पैसा, जो फंड आते हैं, जो सेंट्रल से फंड मिलते हैं, उन फंड के को आवंटन देने की जरूरत है। अगर ऊपर स्तर पर अगर जनप्रतिनिधि रुचि नहीं लेंगे तो बार बार अगर सरपंच स्तर के लोग भी अगर मांग करें तब तक भी काम नहीं पूरा होगा। यानी कि खुद गुणमिलाज ये कहा जा सकता है कि इसमें जो है बड़े जनप्रतिनिधि की अनदेखी होने की वजह से ग्राम का विकास अवरुद्ध है, लोगों को लगातार इसकी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी दीपक, पुरुषोत्तम, यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या क्या है? पानी की किल्लत है, बीमारियां भी, यहाँ पर जब झिरिया का पानी पीते हैं ये लोग तो जाहिर सी बात है बीमारियां भी फैलती हैं, किस प्रकार की समस्याएं यहाँ लोगों को झेलनी पड़ती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पानी की बात हुई, वहाँ पे झिरिया खोल के पानी पीते हैं, लेकिन लगातार शुरू से ही जब इस तरह के पानी पी रहे हैं, दूषित जल पी रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस पावर है वो लगातार बढ़ा हुआ है उनके, तो कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं वो बीमारी को झेलते हैं, छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, और बारिश के समय अगर वो बीमार पड़े तो उनके पास पुल नहीं होने की वजह से केवल एक लकड़ी का जो है अस्थायी व्यवस्था किया जाता है, उस लकड़ी के पुल के जरिए उनको जाना पड़ता है, यानी कि काफी परेशानी होती है। ये भी बताया ग्रामीणों ने कि वहाँ जो डिलीवरी की समय होता है, अचानक कभी कुछ हुआ या फिर तत्काल कोई व्यवस्था चाहिए, आपातकालीन व्यवस्था चाहिए, तो आपातकालीन व्यवस्था जो है गाँव की सरहद पे ही जाके दम तोड़ चुकी है, और बार बार इस तरह की अवस्था होने के कारण जो मरीज के अलावा जो आपातकालीन स्थिति की सेवा नहीं मिल पाने के कारण जो है गंभीर लोगों ने भी दम तोड़ दिया है, यहाँ तक कि कई प्रसूता की भी जान गई है, और ये व्यवस्था पिछले 15 साल से चली आ रही है, जिसकी सुध लेना बहुत ही आवश्यकता है। जी चलिए, शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर है गरियाबंद के दो गाँव की है, जहाँ पर प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का कारण है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो नारकित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, न पानी है पीने को शुद्ध और ना ही चलने को कोई सड़क है। अब देखिए आज के समय में ये लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं। चित्रकूट में